सवाल किया गया है, क्या शोहर के माल में बीवी का भी हक होता है? तो सामीन मैं बता दूं, कुछ लोग गलत फहमी का शिकार हैं। देखिए, शोहर के माल में बीवी का भी हक है, बेटे का भी हक है, बेटी का भी हक है। बहुत से लोग सोचते हैं बेटी का हक नहीं है, बेटी का भी हक है। अपने अपने उनके हुकूक हैं, अपने अपने हिस्से हैं। किसी का कोई ऐसा मामला आए तो कोशिश करे कि वो अपनी बेटी का भी हिस्सा दे। अगर बेटी ने माफ़ नहीं किया तो मैदान मैशर में वो दामनगीर होगी, दामन पकड़ लेगी और उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि बेटी का हिस्सा है, शरीयत ने हिस्सा रखा है। बेहतर है कि आप अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो जहेज ना दे करके उनके हिस्से दें, ताकि आप दुनिया और आखिरत में आप सुबुकदोष हो, आप वहां पर पकड़ना हो, बेटियों के हिस्से हैं। अब अगर आपको हिस्सा तकसीम करना है तो फिर अलग अलग ये बहस है किसके हिस्से में कितना आता है, क्या आता है। अपने करीबी किसी भी आलिम के पास जाएं, उसको बताएं मेरी इतनी बेटियां, इतने बेटे हैं, इतनी बीवी हैं, तो किसका कितना कितना हिस्सा आएगा, वो सब आपको वजाहत कर देगा। अब जाहिर तौर है बीवी तो कहीं लेके जा नहीं रही होती है, बीवी जब तक रहती है तो वो उसी के साथ में रहती है, लेकिन शोहर का इंतकाल हो जाए तब कभी बंटता है माल बेटों बेटियों में बीवी में। लेकिन शोहर जिंदा है तो बीवी तो उसी के साथ ही है, लेकिन बेटी को तो जाना होता है और बेटों को भी अलग होना होता है, तो फिर किसका कितना हिस्सा है वो आप किसी अच्छे आलिम से मालूम करें और उसके बाद में उसका हक उस तक पहुंचाएं। तो बीवी का भी हिस्सा होता है और बेटी का भी हिस्सा होता है।